जिस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट खाद का पैकेट है, जो बिल्कुल एकदम से चाय की पत्ती की तरह नजर आ रहा है। ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है इसके अंदर ये विशेषता होती है कि इस खाद के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पैराट्रॉपिक झिल्ली कहते हैं। ये पैराट्रॉपिक झिल्ली जो है सिंचाई जल के वाष्पीकरण को कम करती है, तो इससे किसान भाइयों को ये फायदा होता है कि जहाँ 5 पिलाई कर रहे हैं अगर वहाँ पे 3 पिलाई करेंगे तो फसल की पैदावार जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसको जिस फसल में भी आप काम में लेंगे उसमें बीमारियाँ कम लगेगी। जिस खेत में भी इस खाद का उपयोग किया जाएगा उसके अंदर खरपतवार कम उगेंगे, दीमक की समस्या नहीं होगी और सफ़ेद लट नहीं लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सस्ता विकल्प है जिसके मार्फत हम ये वर्मी कंपोस्ट खाद की एक घर पे फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप देखें कि डीएपी और यूरिया की कोई किसान फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन रासायनिक खादों की जो निर्भरता बढ़ती जा रही है वो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसकी तुलना में इसके अंदर 5 गुना नाइट्रोजन, 6 गुना फास्फोरस और 4 गुना पोटास होता है। जिस जगह 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद की ज़रूरत होती है वहाँ मात्र वर्मी कंपोस्ट 3 टन की ही आवश्यकता होती है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद जो है हम फल फूल और सब्जी वाली फसलों के अलावा अनाज वाली फसलों में भी उपयोग में लिया जा सकता है। फल फूल और सब्जी की अगर खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें डालना चाहिए, उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ फील्ड क्रॉप है जो फसल लगा रहे हैं वहाँ पे 5 टन प्रति हेक्टर की हिसाब से डालते हैं, और सब्जी वाली फसलों के अंदर 7.5 टन प्रति हेक्टर की दर से डालते हैं।